आप अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में भी वाइट कपड़ों को नील दे सकते हैं, स्टार्च दे सकते हैं। व्यूअर्स, अभी मैंने लास्ट टाइम जो अपनी वीडियो अपलोड की उसमें आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर भी व्हाइट कपड़ों को नील देने का तरीका बताया जाए। व्यूअर्स, डेमो दिखाने के लिए मेरे पास फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन नहीं है, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ आइडिया दे सकती हूँ जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में भी व्हाइट कपड़ों को नील दे सकते हैं, स्टार्च दे सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जो है टॉप लोड वॉशिंग मशीन में देते हैं। लेकिन उसका तरीका क्या क्या होगा, ये वीडियो आपने एंड तक लास्ट में देखनी है ताकि आपको पता लगे कि इसका तरीकेकार क्या होगा, क्या इसका जो है प्रोसीजर होगा, जिस तरीके से आप जो है इजीली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में भी अपने व्हाइट कपड़ों को नील दे सकते हैं, स्टार्च दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। तो व्यूअर्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिना जैविन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुश आमदी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब कैरियर से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, जैसा कि आप देखते हैं कि टॉप लोड वॉशिंग मशीन में ईजिली जो है कैप जो है आप वॉशिंग मशीन का लिड जो है वो ओपन कर सकते हैं और उसे खोलकर उसमें कुछ भी एडिशन कर सकते हैं आप, जबकि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में एक दफ़ा उसका जो डोर लॉक हो जाता है फिर वो उसे आप ओपन नहीं कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को टॉप लोड वॉशिंग मशीन से थोड़ा सा अलहदा करती है। टॉप लोड वॉशिंग मशीन का जो है अपडेट वर्जन है जिसमें बहुत ईजिली जो है आप बहुत सारी वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन वाले हैं वो इसी में जो है रहते हैं कि जी ये तो सब टॉप लोड में बहुत ईजिली सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे पास फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है तो हम क्या करें। तो आपने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है तो आप क्या करें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने अपने व्हाइट क्लोथ्स डालने हैं फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, और आपका जो भी वॉश साइकिल है आपने उसको सिलेक्ट करना है और उसे स्टार्ट कर देना है। जब आपकी वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो जाएगी सबसे पहले तो वो डिटर्जेंट लेगी, डिटर्जेंट लेने के बाद जो है वो उसको वॉश करेगी, वॉश करने के बाद जो है वो स्पिन पे जाएगी ताकि एक्स्ट्रा जितना डिटर्जेंट है वो ड्रेन कर दे। फिर उसके बाद क्या करेगी, वो रिंस के लिए जो है पानी भरेगी अपने अंदर। अच्छा, इट्स अप टू यू, आप रिंस उसे वन टाइम लगाते हैं या टू टाइम लगाते हैं या थ्री टाइम। आपने करना क्या है कि आपने ये नोट करना है कि वैसे तो टू टाइम रिंस ही लगाते हैं सब और वो बहुत अच्छे से जो है कपड़े वॉश हो जाते हैं। अगर आपका वन टाइम रिंस है तो भी, अगर आपका टू टाइम रिंस है तो भी, मैं आपको बता दूं जो सबसे लास्ट रिंस लिए पानी अपने अंदर भर रही होती है वॉशिंग मशीन, तो आपने क्या करना है कि उसे कम्प्लीटली जो है अपने अंदर पानी को भरने देना है। जब पानी अपने अंदर वॉशिंग मशीन बहुत अच्छे से भर लेगी तब आपने क्या करना है, तब आपने वॉशिंग मशीन को पॉज करना है। पॉज करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये मेरे पास है एक अदद वाटर बॉटल जो मैंने हाफ लीटर की ले ली है, आप चाहें तो वन लीटर और वन एंड हाफ लीटर भी ले सकते हैं और जो है वो सबसे बेस्ट होता है, और ये है मेरे पास लिक्विड ब्लू। अब आपने क्या करना है, आपने इस वाटर बॉटल को लेना है और इसके अंदर आपने लिक्विड ब्लू अपना मिक्स करना है। इट्स अप टू यू, आपके पास कितना वाटर लेवल है और कितने कपड़े हैं, या मैंने 6 to 7 ड्रॉप्स ले लिए हैं नील के जो कि आप देख रहे हैं। अब ये क्या है, ये पानी के अंदर मिक्स होके ये डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है। आपने इसका कैप बंद करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें व्यूअर्स, ये बहुत अच्छे से जो है वो डाइल्यूट हो गया है हमारा लिक्विड ब्लू जो ओरिजिनल फॉर्म में था। आपने इसको डायरेक्ट अपने जो है वॉशर के अंदर नहीं डालना, जब भी आप डायरेक्ट डालेंगे एक तो डिटर्जेंट बॉक्स के अंदर ये रह जाएगा और जब नेक्स्ट टाइम आप वॉश करने लगेंगे तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपके कपड़े जो है ख़राब होने का भी डर हो सकता है। तो उसके लिए आपने हमेशा इसको डाइल्यूट करना है, तो आप हाफ लीटर की बॉटल में भी कर सकते हैं, आप वन लीटर की बॉटल में भी इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। जितनी बड़ी बॉटल होगी उतना आसानी होगी डाइल्यूट होने में और बहुत अच्छे से जो है वो लिक्विड ब्लू आपके कपड़ों को
डल जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना यह है कि आपने ये लिक्विड ब्लू अपनी बॉटल के अंदर बना लिया है। अब आपने इसको अपने फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में किस तरीके से डालेंगे, आपने जब देख लिया कि जी रिंस जो है पानी बहुत अच्छे से अपने अंदर वॉशिंग मशीन ने ले लिया है, तो आपने तब क्या करना है, आपने अपनी वॉशिंग मशीन को करना है पॉज। वॉशिंग मशीन को पॉज करेंगे और जो उसका डिटर्जेंट वाला ड्रॉअर है, आपने डिटर्जेंट बॉक्स के ड्रॉअर को खोलना है और इस मिक्सचर को, लिक्विड ब्लू के मिक्सचर को आपने उस डिटर्जेंट बॉक्स के अंदर से अपनी वॉशिंग मशीन तक पहुंचाना है। जब ये आप डिटर्जेंट बॉक्स से अपनी वॉशिंग मशीन तक पहुंचाएंगे तो बहुत अच्छे से जो है ये वहाँ चला, जब आप देखेंगे कि जी पूरी बॉटल जो है वो पहुंच गई है, तब आपने अपनी वॉशिंग मशीन को कर देना है स्टार्ट। जब आप अपनी वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करेंगे तो रिंस के दौरान ही ये लिक्विड ब्लू उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, कपड़ों में बहुत अच्छे से नील दे दिया जाएगा और नील देने के बाद जब वो स्पिन होके जब कपड़े आएंगे तो बाहर आप इजिली देखेंगे कि आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में भी आपने लिक्विड ब्लू यानी कि नील दे दिया है। और आप इस सेम इसी तरीके से जो है आप अपने जो है कपड़ों को माया भी दे सकते हैं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में, यानी कि आपने एक माया जो हम पहले पकाते हैं चूल्हे पर ठंडा करने के बाद आपने एक बॉटल में भर लेना है। बॉटल में भरने के बाद जब आप देखेंगे रिंस आपका पानी भर चुका है तो आप तब आपने क्या करना है, तब आपने पॉज करना है। पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद डिटर्जेंट बॉक्स के अंदर से जो है आप माया उसके अंदर डालेंगे, पूरी बॉटल आपने खाली कर देनी है और फिर आपने जस्ट अपनी वॉशिंग मशीन को स्टार्ट कर देना है। इतना इजी तरीका है ये, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में भी आप अपने कपड़ों को नील दे सकते हैं, स्टार्च दे सकते हैं। दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है कि अगर हमारे पास फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है तो हम जो है उसमें कपड़ों को नील नहीं दे सकते, स्टार्च नहीं दे सकते, जिस तरह के टॉप लोड वॉशिंग मशीन में सब पाकिस्तानी दे रहे हैं। देखिए ये बहुत जरूरी है, व्हाइट कपड़ों को अगर आपने व्हाइटन करना है तो आपने वॉश करने के साथ साथ आपने उन्हें लिक्विड ब्लू भी देना है, उनके अंदर जान पैदा करने के लिए आपने उसे माया भी देना है। उसके बाद ही जो है जब आपके पास प्रेस होकर वो वाइट कपड़े अपनी ओरिजिनल मटेरियल के अंदर आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये तरीका जरूर समझ आया होगा। ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन वालों के लिए वीडियो है और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो अपने डिटर्जेंट बॉक्स के ड्रॉअर के अंदर से कोई भी चीज अपनी वॉशिंग मशीन के ड्रम के अंदर पहुंचा सकते हैं इजीली। देखिए मैं फिर आपको बोलूं कि आपने डायरेक्ट जो है नहीं डालना है अपने डिटर्जेंट बॉक्स के अंदर लिक्विड ब्लू, क्योंकि वो रह जाएगा फिर वो आपके जो दूसरे कपड़े वॉश करेंगे या दूसरा साइकिल होगा तो उससे जो है वो आपके कपड़ों को भी खराब कर देगा। तो आपने क्या करना है, आपने उसके लिए बॉटल लेना है, बॉटल के अंदर डायल्यूट करना है, चाहे वो माया हो चाहे वो लिक्विड ब्लू हो। बॉटल के अंदर जब ये डायल्यूट हो जाता है तो फिर ये इजिली जो है आपके कपड़ों के अंदर जब आप डालेंगे तो ये निशान भी नहीं पैदा करेगा और बहुत अच्छे जो है आपके कपड़ों पे लिक्विड ब्लू जो है हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ आया होगा व्यूअर्स। तो हिना जावेद ने फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है कि वो किस तरीके से अपने व्हाइट कपड़ों को जो है वो लिक्विड ब्लू दे सकते हैं। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी हिना जावेद, सारे वॉशिंग मशीन की एक्सपर्ट। जैसे एक डॉक्टर होता है इस तरह से मैं वॉशिंग मशीन की डॉक्टर कहलाऊंगी। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसके अलावा आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, यानी कि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि अगर उनके पास फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है तो वो क्या करें, किस तरीके से वो अपने व्हाइट कपड़ों को ब्लू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टा पे भी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।